थक गई आप? प्यार मोहब्बत इंसान को कभी थकने नहीं देता। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। इतनी खूबसूरत जगह है ये, फिर आपके साथ होना, आपके पास होना, कैसा लग रहा है आपको? अनमोल, नायाब, बेस्ट, ब्यूटीफुल। ये वक्त भी कितने रूप बदलता है ना। एक वक्त होता है जिस पे हम रोते रहते हैं, और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद उसी वक्त पे हंसने लगते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मुझे ये लगता था कि मेरा सब कुछ चला गया है, बर्बाद हो गया हूँ, मेरी हर खुशी छिन गई है मुझसे। और अब हसीन, इतनी हसीन कि जिस तरफ भी नजर दौड़ाता हूं दूर दूर तक सिर्फ इश्क दिखता है, नूर दिखता है, बस इश्क दिखता है। क्या जरूरत थी आपको ये सब बात करने की उसके साथ? थोड़ी देर तो बर्दाश्त कर सकती थी। आ जाओ। सो तो नहीं रही थी आप? नहीं, आ जाओ। कर दीजिए, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की, प्लीज। नहीं बेटा, तुमने कोई बदतमीजी नहीं की। गलत बात पर गुस्सा आना नॉर्मल इंसान की निशानी होती है। मेरा गुस्सा ही तो गलत था अम्मी जी, मैंने कभी भी आपकी बात पर इस तरह रिएक्ट नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं बेटा छोड़ो, जाने दो, मैं कह रही हूँ ना, नाराज नहीं, जाओ जाकर, रात बहुत हो गई, सो जाओ। कैसे आराम करूँ, मुझे तो चैन ही नहीं मिल रहा। बेचैनी हो रही है कि मैंने आपसे कैसे कैसे बात की है। मैंने कहा ना बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुमने कोई बदतमीजी नहीं की मेरे साथ, परेशान नहीं हूं, जाओ। मैं वादा करता हूं आपसे अम्मी जी, मैं तुम्हारा कभी बदतमीजी नहीं करूंगा। अम्मी जी। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था हमारे घर में। यही तो समझ में नहीं आ रहा, अब वो सब कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन क्यों?
काम तुमने नहीं सोचा? नहीं सोचा कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? मैंने सोचा तो है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सामने सब कुछ देखकर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो सोचना कैसा? मतलब कुछ नहीं, जाओ शाबाश। सोचो शाबाश। हनी नहीं पहुंच गए हैं वो दोनों आराम से। हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ।